वेलकम फ्रेंड, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और देखिए यहां पर कितनी अच्छी ट्रेन गई, और आज हम इसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेन 18। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेन 18 असल में है क्या और ये क्यों बनाई गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ पूरा वीडियो सुनेगा, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो अच्छा होगा। देखिए ट्रेन 18, सबसे पहली बात, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेक इन इंडिया के तहत पूरा किया गया है। मेक इन इंडिया अपने आप में एक कामयाबी की मिसाल साबित करता जा रहा है, और जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मेक इन इंडिया, तब से भारत में मेक इन इंडिया ने कई मील के पत्थर साबित किए हैं, जिसको देख कर लगता है कि मेक इन इंडिया एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है। अब अगर बात करें इस ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन की जो कैपेबल टचिंग स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर की। अब 200 किलोमीटर पर आवर की जो ट्रेन स्पीड है वो अपने आप में एक बड़ी बात है इंडिया जैसे विकासशील देश के लिए, क्योंकि इंडिया अभी भी विकसित देशों की गिनती में नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया सबसे तेज़ी से उभरने वाली एक गतिशील अर्थव्यवस्था में, ठीक है, स्पीडी इकोनॉमिक में गिना जाता है। अब बात करें तो ये ट्रेन बनी है तो बनी क्यों है और इसके क्या क्या खासियत है इस ट्रेन की, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 30 सालों से जो चली आ रही हमारी ट्रेन है शताब्दी, तो अब इसको यहाँ पर ओल्ड शताब्दी एक्सप्रेस ले लिखा गया है, क्योंकि ये जो ट्रेन बनी है ट्रेन 18, ये नेक्स्ट जनरेशन शताब्दी एक्सप्रेस कहलाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये ट्रेन हमारी शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। अब ये समझ लीजिए मोटे तौर पे कि शताब्दी एक्सप्रेस का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, हालांकि इसको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी इस बारे में तो अभी कहना संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ट्रेन है ये आपकी जो सारी उम्मीदें हैं, आप जो पैसा खर्च करते हो तो आपको गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो ट्रेन है गवर्नमेंट ने जो बनाई है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, ये ट्रेन आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और कैसे खरा उतरेगी, क्या क्या उसके पैरामीटर होंगे, वो सब हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए अच्छी खासी एक नॉलेज के लिए, नॉलेज के सफर पर जाने के लिए। और देखिए मैंने एक खूबसूरत सी इमेज आपको दिखाई है ट्रेन 18 की, और ये एकदम खतरनाक इमेज है, कहने को बल्कि बहुत खतरनाक डेंजर लग रही है ये ट्रेन। अब बहुत से लोग इस ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो है उसकी तरह है, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन से बिल्कुल अलग है। और मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि वे बुलेट ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक और किन दो देशों के बीच समझौता करने के बाद बनने जा रहा है, तो आप अगर उसका जवाब मैं वो कमेंट सेक्शन में देंगे तो अच्छा होगा। अब देखिए बात करते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ये जो विशेष ट्रेन बनाई गई है इसका नाम ट्रेन 18 क्यों रखा गया, और ये भविष्य में शताब्दी ट्रेन की जगह क्यों ले रही है। देखिए शताब्दी ट्रेन, दुरंतो ट्रेन और राजधानी एक्सप्रेस जो है, ये सब ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें आम आदमी एक पैसा खर्च करता है तो उसे लगता है कुछ सुविधा अच्छी मिलेंगी, और जो कि मिलती हैं उसको सुविधाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं, कई पैरामीटर ऐसे हैं जो हम शताब्दी, दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस में पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट 2018 जब पार्लियामेंट पेश किया था तो वहाँ पर ट्रेन 18 डिक्लेयर की थी, भाई ट्रेन 18 जैसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहाँ पर इन्होंने ट्रेन 18 की घोषणा की थी। अब जब ये घोषणा हो गई तो लोगों को लगा कि भाई चलिए ठीक है घोषणा कर दी, पता नहीं कब तक बनेगी, लेकिन बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में ट्रेन बना दी गई है, और इसीलिए ये आज न्यूज़ का मुद्दा बनी हुई है। और देखिए ये एक ये एक ट्रेन का यार्ड है जहाँ पर ट्रेनें बनती हैं, खड़ी होती हैं, तो चेन्नई में ये ट्रेन बेसिकली डेवलप की गई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ये जो ट्रेन बनाई गई है ये चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसमें बनाई गई है, और बहुत ही कम टाइम यानी कि जस्ट शॉर्ट टाइम 18 मंथ में। एक्चुअली इसका जो ट्रेन 18 नाम रखा गया है उसके पीछे कई लोगों का कहना ये भी है कि भाई ये 18 महीने में बनकर तैयार हो गई ट्रेन, तो इसलिए इसको ट्रेन 18 बोला जा रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि ये 2018 में इसकी घोषणा हुई है, ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है 2018 में, इसलिए भी इसको ट्रेन 18 कहा जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं अगर फैक्चुअल बोलूं तो 2018 में इसका अनाउंसमेंट होने के बाद इसको ट्रेन 18 नाम दिया गया है, तो अब ऐसा नहीं है कि 18 महीने में बनकर तैयार हो गई तो इस वजह से दिया गया, नहीं,
सबसे अच्छी बात क्या रही है इस ट्रेन को बनाने में कि मेक इन इंडिया के तहत 120 करोड़ की लागत लगाने के बाद ये ट्रेन बन गई है। आप सोचिए, आप जिस मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं उस मेट्रो ट्रेन की लागत कितनी होगी, आप खुद जानते हैं 120 करोड़ से तो कहीं ज्यादा होगी उसकी लागत, ठीक है। और वो भी हम हमारे देश में ना बना करके दूसरे देशों से मंगाते हैं बनवा करके, तो उससे क्या होता है कि भाई हमारा जो पैसा है दूसरे देश को चला जाता है। लेकिन जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई पैरामीटर पर फोकस किया और उसमें बात कही गई भाई हम ज़्यादातर चीज़ें अपने देश में ही विकसित करेंगे, अपने देश में ही ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, हमारा देश एक पावर बनकर पावर हब की तरह उभर कर निकलेगा। और इसका फायदा कहाँ देखने को मिल रहा है, अगर आपको ध्यान हो कुछ समय पहले की न्यूज़ आई थी इसरो की, जिसने कई मील के पत्थर अब साबित कर दिए हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, क्योंकि अब इसरो एकदम किफ़ायती दामों में जो दूसरे देशों के सैटेलाइट है उनको लॉन्च कर देता है। दूसरे देशों के सैटेलाइट क्यों लॉन्च कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इससे देखिए हम हमें दूसरे देशों का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन करेंसी जो हमें है वो मिल जाती है, ठीक है। और दूसरे देश जो हमसे लॉन्च क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही सस्ते दामों में लॉन्च कर देते हैं कोई भी सैटेलाइट उनका, तो इसलिए भी हम लोग एक बाजार की तरह, ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक बाजार की तरह भी उभर के सामने आ रहा है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व में एक उभरती हुई ताकत की तरह भी सामने आ रहा है। देखिए इस ट्रेन में 16 कोचिस रखे गए हैं, अब तक 16 कोचिस वाली ऐसी ट्रेन शायद देखने को मिलेगी। और एक और खास बात है इस ट्रेन की जो मैं आपको थोड़ा आगे जाकर के बताऊंगा, आप लोग खुद चौंक जाएंगे, ये भी पॉसिबल है क्या ट्रेन में, वो भी हमारे जैसे देश की ट्रेन में ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो 16 कोचेज ट्रेन में रखे गए हैं और पैसेंजर को बहुत ध्यान, मतलब पैसेंजर की पूरी तरह ध्यान रखा गया है इसमें कि पैसेंजर को क्या क्या फैसिलिटी ट्रेन में मिलनी चाहिए। और जो ड्राइवर का केबिन इसमें रखा गया वो दोनों साइड रखा गया है, जैसा आपने मेट्रो ट्रेन में देखा होगा ना कि दोनों साइड ड्राइवर का केबिन होता है, तो इस ट्रेन में भी दोनों साइड ही ड्राइवर का केबिन है। अगर एक ड्राइवर इधर है तो एक ड्राइवर केबिन इधर रहेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही साइड में उसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं, आप आगे से पीछे जा सकते हो उसमें, तो दोनों साइड रखा गया। और देखिए कि टनल है कि इस प्रकार से भी ट्रेन चलेगी, और सब मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना मैं दिखा सकता हूँ। देखिए अब ये ट्रेन जो है ये ट्रेन 18 दो दर्जन कोच के निर्माण पर 120 करोड़ का खर्च आ गया है इसमें, तो तकरीबन हम बात मान सकते हैं कि एक कोच पर तकरीबन 6 से 7 करोड़ की लागत लगी है, जो कि बहुत किफ़ायती लागत है। अब आपको मैंने बताया ना इसमें कितने 16 कोच हैं, अब 6 से 7 करोड़ की लागत में अगर एक कोच तैयार हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अब तक क्या होता था, जो कोचों की लागत थी वो 3 करोड़ के लगभग होती थी, लेकिन पुरानी ट्रेनों में लगने वाले जो इंजन की कीमत थी वही 12 से 15 करोड़ होती थी। भाई 12 से 15 करोड़ का तो इंजन इंजन लग जाता था पुराने ट्रेनों में, और आप लोग जानते हैं कितना डीजल वाला हैवी इंजन होता था जिससे पॉल्यूशन बहुत होता था, तो वो भी एक समस्या बनी हुई थी। और डीजल, हमें डीजल की खपत भी चाहिए थी, ठीक है, मतलब डीजल की खपत हो रही है तो हम डीजल को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करने में लगे हुए थे, तो ये भी एक मेजर फैक्टर था इस ट्रेन को बनाने के लिए। ट्रेन 18 जो पूरी तरह एक चेयर कार वाली ट्रेन है, अब चेयर कार की ट्रेन का मतलब क्या है कि इसमें पैसेंजर के बैठने की व्यवस्था है। अब इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सो के जाएंगे, तो उस प्रकार की व्यवस्था इसमें नहीं की गई, केवल बैठने के लिए सीटें बनाई गई हैं, बिल्कुल मेट्रो की तरह, मेट्रो में कि आप सो के जाते हो, नहीं। अब यहाँ जो सीटें बनाई गई हैं खास तौर पे, मैं भी आपको आगे आगे इमेज में दिखाता हूँ, देखिए ये सीटें हैं, ये सीटों की खासियत क्या है, ये पूरा 360 डिग्री पर ये टर्न हो सकती हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप पीछे वाला जो आपका मित्र बैठे हैं या फिर आपके रिलेटिव या फैमिली वाले फैमिली मेम्बर हैं, तो आप ऐसे पीछे अपनी सीट घुमा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सब रिमूवेबल सीट, मतलब रिमूवेबल राउंडेबल सीट है, आप इनको घुमा सकते हैं। और इसमें जो सस्पेंशन भी लगाया गया है, इसका शॉकर बनाया गया, वो इस प्रकार से बनाया गया कि अगर 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन चलती है और अचानक ब्रेक मारे जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है ब्रेक कभी धीरे धीरे मारे जाते हैं, तो ट्रेन में झटका लगता है, तो उन सब बातों को इसमें ध्यान रखा गया है। और ख़ास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है सीनियर सिटीजन्स का भी। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आप लोग जैसे हाई स्पीड ट्रेनों में सफ़र करते हैं, खासतौर पर शताब्दी, दुरंतो, तो इनमें क्या होता है कि आपको एक केबिन से दूसरे केबिन में जब जाना होता है तो उसके लिए आप डोर होता है उसको आपको अनलॉक करना होता है, फिर आपको जाना होता है। बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है इससे, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, वृद्ध लोग जो उनको प्रॉब्लम खास होती है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक केबिन से अगर आपको दूसरे केबिन में जाता है जाना है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाया गया है। ये जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, आप उसके पास जाएंगे वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो ये काफ़ी किफ़ायती है आपके लिए है।
और आप मतलब हेल्पफुल है, और जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजीज में यूज़ की गई, जिससे आपको करंट इन्फॉर्मेशन एज ए पैसेंजर के तौर पे मिल सकती है। ठीक, अब इसमें क्या किया गया, देखिए काफ़ी सारे इसमें इक्विपमेंट है जो फिक्स किए गए हैं, जैसे कि पैसेंजर कंफर्टेबल और उनकी सेफ्टी को देते हुए जैसे सेंसर इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, और इसमें जैसे बर्निंग इश्यू होते हैं ट्रेन में उनको ध्यान रखते हुए कुछ सेंसर लगाए गए हैं, और वाईफाई की सुविधा इसमें दी गई, पूरा वाईफाई सिस्टम होगा इसमें, तो ये सब चीज़ें इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो टॉयलेट की फैसिलिटी दी गई है, देखिए खास तौर पर मैंने जैसे आप बताया आपको कि ये चेयर कार वाली ट्रेन है, इसमें आप सोने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो वॉशरूम की फैसिलिटी है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है जब आप किसी बड़ी ट्रेन में दूर तक सफ़र कर रहे हैं तब। ठीक, तो वॉशरूम को इसमें इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसको हम कहते हैं बायो वैक्यूम सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो बायो वैक्यूम सिस्टम के तहत आपको क्या है कि जो वॉशरूम में आप पानी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है इजीली, और वो आपको फिर से यूज़ के लिए काफ़ी सहायता देगा उसमें। मतलब आपको ये बाबा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा इस प्रकार से कि वॉशरूम में पानी नहीं है, तो इस प्रकार से आपको नहीं झेलना पड़ेगा कोई भी प्रॉब्लम को। तो ये सब ट्रेन की खास बातें थी। अगर मैं आगे बात करूँ ट्रेन के बारे में, तो देखिए ये यहाँ पे लोगो दिखाया गया, मेक इन इंडिया का लोगो है, इसमें शेर की तस्वीर होती है और ट्रेन अटेंड की फोटो है। अब जो इसकी टॉप स्पीड मैंने आपको बता दी है, और इसका जो ट्रायल है वो पहली बार मुंबई से अहमदाबाद रूट पे इसका पहली बार ट्रायल हो रहा है, और ये एक गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन भी है, इसको हम कह सकते हैं गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो मैंने आपको बोलता ना, मैं बाद में बताऊंगा, वह मैं अब बता रहा हूँ कि इस ट्रेन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रेन में अगर इंजन नहीं होगा तो ट्रेन चलेगी कैसे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि इस ट्रेन में इंजन की जगह पर ड्राइवर केबिन है, और हर चौथे कोच में एक मोटर की तकनीक लगाई गई है जो इंजन की तरह काम करेगी ट्रेन को रफ्तार देने में। मतलब आपने देखा होगा जिस प्रकार से मेट्रो है ना, मेट्रो में आपको क्या है कि भाई हर चौथे या दूसरे कोच पे एक मोटर सिस्टम लगाया गया, वही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है। अब 16 कोचेस की ट्रेन है, हर चौथे पे यानी कि चार चार कोचेस के साथ में एक एक जो इंजन वो सॉरी मोटर है वो जोड़ी गई है, जिससे कि ट्रेन को गति दी जा सके। ठीक है, और ट्रेन स्पीडली आगे बढ़ सके, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच सके। और इसमें क्या होगा कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, डीजल हमारा भविष्य के लिए सेफ रहेगा, भाई डीजल का हमें ट्रेनों में बहुत ज़्यादा यूज़ करना हो रहा था, तो वो सब हमें सेफ रहेगा। अब अगर ट्रेन के थोड़ा सा एक और फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, तो ट्रेन हर सुविधा के लिहाज से बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी बनाई गई है। और इसमें एक और बात देखिए, जैसे ट्रेन 20 है, एक और अभी मैंने ट्रेन 18 के बारे में आपको बता रहा था, तो वैसे ही एक बनाई गई ट्रेन 20। और ट्रेन 20 में क्या रखा गया है कि ऐसा नहीं है अभी 2020 को ऐसा स्पेशल कुछ नहीं, देखिए यही ट्रेन है इसका अपग्रेडेड वर्जन। मान लीजिए आप लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं आज की डेट में, और आपको पता तो कि 1 साल बाद 6 महीने बाद उसी का अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में आ जाएगा, तो जो ट्रेन 18 में जो चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाए हैं उनको हम ट्रेन 20 में पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ट्रेन 20। और दूसरी बात, 2020 तक ट्रेन 20 को लॉन्च करके भारत की ट्रेन की पटरियों पर उतारने की योजना बनाई गई है, इसलिए भी इसका नाम ट्रेन 20 रखा गया है। ठीक, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर फीचर्स और अंदरूनी फीचर्स, जिसमें इंटीरियर इसका एक्सटीरियर इसे बहुत अच्छा होगा, ट्रेन 20 ट्रेन 18 के मुताबिक भी काफ़ी अच्छी ट्रेन मानी जाएगी। तो ये सब इसके बारे में नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, आई होप आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिली होगी, और जो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।